आरती विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल प्लीज प्लीज। आरती और आपकी तो अरे जोड़ी यार बन चुकी है यहां पर। सीरियसली लाइक दैट यार। अच्छा देने आरती बहुत अच्छी इंसान है और मैं उनको जानता हूँ, जी बहुत अच्छी इंसान है और बड़ी नेक लड़की है। मैं हमेशा, मैंने पहले भी बोला और आज भी यहाँ पे बोल रहा हूँ लाइव में, कि आरती सिंह की जो परवरिश हुई है, जो जिस तरह जी की उनको तालीम हासिल हुई है, जिस तरीके से उनका पालन पोषण हुआ है, वो उनकी हर एक चीज में नजर आती है। मैं बात कर रहा हूँ जी आरती सिंह की, तो वो उन लोगों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया है। और बहुत कमाल की लड़की है और मैं अभी बोलता हूँ, जब क्योंकि पूरा जाने गेम भी कैसे उन्होंने डिग्निटी के साथ खेला है। और डिग्निटी, पूरे 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 जी विजय स्टार विजय 1 2 3 4 5, हाय हाउ आर यू मेरी जान, कैसे हो, सब खैरियत। बहुत ही सेंसिबल लड़की है, रिश्तों को महत्व देती है बहुत ज्यादा। जी और आरती जी की कुछ खास बातें हैं कि थैंक यू, लव फ्रॉम चौक लखनऊ। आरती जो है वो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही समझदार इंसान है और जी बहुत ही बहुत नेक इंसान है, ब्यूटीफुल सोल है। और अब मैं उनकी तारीफ करना शुरू करूंगा तो फिर ये शाम होगी, फिर सुबह हो जाएगी और फिर शाम हो लेकिन जाएगी। फैंस ने यहाँ पर तो प्रपोजल भी दिया है कि आप उनसे शादी करना चाहेंगे क्या? ये तो डायरेक्ट प्रपोजल आ चुका है शादी का आपको। यार ज्योति, यू नो शादी जो है वो एक, आप भी समझती हैं, वो कोई कुत्ते कुड़ियों का खेल नहीं है और एक पूरी जी जिंदगी किसी के साथ गुजारनी होती है आपको। तो आरती अफकोर्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और अपने सीजन के बाद मैंने कोई सीजन अगर बिग बॉस का फॉलो किया था तो वही सीजन किया था, और उसमें कुछ लोग थे जी जिनकी वजह से किया था, सिद्धार्थ शुक्ला और बहुत फेवरेट था मेरा, मुझे लगा बहुत अच्छा गेम खेला उसने। और जी आरती जो है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो अफकोर्स आरती जो है वो यार शादी शादी से डर लगता है, शादी से डर लगता है, तो तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बन सकता हूँ। ये जी मेरी खुद की एक राय है, अब वो आरती होगी या कौन होगा ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली आरती पे एक बार डेफिनेटली सोचना बनता है, बिकॉज इतनी कमाल की लड़की है वो, एक बार सोचना तो जी बनता है। हाँ, एक बार सोचना डेफिनेटली बनता एक बार सोचना तो बनता है, क्योंकि है, पब्लिक इतना चाह रही है तो पब्लिक पब्लिक ने कुछ डिमांड तो पे सोचा होगा, पब्लिक पब्लिक डिमांड डिमांड पर। पे, पब्लिक डिमांड पे क्या बात है, तो आई संतोष एम श्योर शुक्ला जैसे ही और लॉकडाउन कृष्ण का खत्म होगा, स्वयंवर। जी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आई एम श्योर कि आप आरती को जाकर बताएंगे कि आपके लाइव सेशन के दौरान आरती और आपकी जोड़ी बना दी गई ये लिटरली। मैं अभी क्या बता पता कल तक दूंगा, कोई हैशटैग आ जाएगा, अभी बता क्या दूंगा, पता कल तक कोई हैशटैग आ जाए आपका और आरती का। मैं अभी बता दूंगा उसको, आपसे इंटरव्यू खत्म करने के बाद आरती को बता दूंगा मैं कि भाई ये चलिए मैं ही एक हैशटैग बना हाँ देती हूँ, संतोष हाँ प्लस आरती इज इक्वल टू शार्ती, समथिंग लाइक दैट, हैशटैग शार्ती। ये भी शुरू हो सकता है। अरे यार आने का बनाओ बनाओ, अच्छा है यार, हैशटैग बनाओ ज्योति, तुमसे शुरुआत हो जाएगी। तो तो अभी मैं वो जितने हैशटैग भी लोग आप देख रहे हैं वो लोग ये हैशटैग संतोष आगे फॉरवर्ड बनाओ, करेंगे हाँ इस हैशटैग को। और मैं फॉरवर्ड करूंगा हैशटैग, अगर बड़ा खूबसूरत हुआ तो मैं वो जी हैशटैग आरती को फॉरवर्ड करूंगा, मैं हैशटैग जी आरती को फॉरवर्ड करूंगा। और अगर प्रपोजल हम दोनों का जो है वो सब कुछ तालमेल मिल गया तो फिर क्लीन शेव हो जाऊंगा। ओहो, चलिए तो यहाँ पे प्रॉमिस भी कर दिया है संतोष ने कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है, बट इन सब में आई थिंक अभी टाइम है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो हमने लॉकडाउन के बारे में बहुत बात कर ली है, काफी लोग पूछ रहे हैं शहनाज के बारे आरोश, में भी कुछ बोलिए। व्हाट इज आरोश, आरोश का मतलब क्या है? पूजा मान वर्मा ने लिखा है आरोश, आरोश मतलब, आरती और संतोष, आरोश, अच्छा आरती और संतोष। अरे लड़कियां बहुत समझदार होती है एग्जैक्टली ज्योति, और समझती है बात सारथी को। भी लिखा है, सारथी तो मैंने ही सारथी, बनाया है यार, कुछ सारथी नया तो इन्होंने बनाओ। बनाया यार, इनका क्यों ले रहे हैं, सही हो, वेरी हैंडसम यार, ये ब्यूटीफुल, कन्वर्ट दिस टू मैरिज।
ये क्या हो गया यार, शारती हैशटैग चलने लग गया उधर। एग्जैक्टली अभी से वायरल हो गया है शारती। चलिए, अगर अभी काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि आरती के बारे में बहुत बातें होगी, शहनाज के बारे में भी कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। शहनाज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और शहनाज तो यार मैं ऑलरेडी, मुझे लगता है मैं बहुत बोल चुका हूँ शहनाज के बारे में। आप पता है क्या है ज्योति, एक टाइम के बाद ऐसा हो गया ना कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं तो वो ऐसा रहता है जी खींचते जा रहे हैं उसको, यार खींचते जा रहे जी हैं इसी के लिए। सो गॉड ब्लेस शहनाज, माय बेस्ट विशेस विद यू। और तुम रॉक स्टार हो यार, तुम बड़ी कमाल की लड़की हो जी, और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, चेहरे पे तुम्हारे काफी लाइट है, और माहौल तुम्हारा जो है वो सोशल मीडिया पे काफी टाइट है।